मम्मा पुल साला मेरे को सर रहा था मैं गौतम अरोड़ा जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा अमृतसर। कल जो साढ़े माननीय प्रधान श्रीमान अश्विनी शर्मा जी दे हमला होया जो कि कांग्रेस दे यूथ गुंडिया द्वारा यह हमला किया गया। यूथ कांग्रेस दे आगू किसानों दे अड़ च भाजपा कार्यालय से कभी हमला करते ने कभी साढ़े परिवार के मुखिया पंजाब के प्रधान अश्विनी शर्मा जी उत्ते हमला करते हैं जो कि बहुत निंदनीय हो गया। इसका असी कड़ा विरोध करते हैं। अज पूरे पंजाब भर च डीसी दफ्तर के बाहर रोस प्रदर्शन किया जा रहा है। उसकी लड़ी च अज साडे जिला प्रधान श्री सुरेश मान जी की अध्यक्षता च अज डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। अज असी मांग करते हैं कि कल बीते दिनों जेड़ी गुंडागर्दी कांग्रेस दे यूथ आगुओं द्वारा की गई उस पर सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। जे इस कार्रवाई नहीं होंगी तो असी इस संघर्ष को अंदोलन के रूप में लिया लवेंगे। तो नाल दे नाल मैं चेतावनी भी देना चाहना यूथ कांग्रेस के आगुओं कि साढ़े मानयोग राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी ने एक बयान दिता सी कि आन गए पैरों च तो जान गए स्टेजर च। जे हूँ कांग्रेसी आगुआ ने साडे दफ्तर या साडे परिवार के मुखिया या साडे किसी भी कार्यकर्ता उत्ते हमला करने की कोशिश की तो जिथे भी मिलेंगे उत्थे इनू सिद्ध करांगे कि आन गए पैरों से जान गए स्टेजर से। पर डॉक्टर राजकुमार का बयान आ रहा कि एक वीडियो बजड़ी बीजेपी ने आप ही हमला करवाया है गड्डी का शीशा तोड़िया। देखो जी ये तो गुंडिया वाला सवाल है गुंडिया का जवाब है। चोर कभी कहेगा मैं चोरी की है। एक कांग्रेसी गुंडा गुंडे ने एक किसान दे अर्ज पंजाब की अमन शांति खत्म करना चाहते हैं। सो असी ये अमन शांति किसी कीमत च खत्म नहीं होना देवे। जिते जिते अत्याचार होंगे पंजाब बीजेपी की पूरे कार्यकर्ता उत्ते इसका डट के विरोध करेंगे तो कांग्रेस सरकार को हिला रख देंगे। तो असी मांग करते हैं केंद्र सरकार को कि इस हमले की CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए है। तो अपने राष्ट्रपति को भी मांग करते हैं कि पंजाब च गवर्नर रूल लागू करन क्योंकि इतों के मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह को हूँ पंजाब संभालने जा रहा ता कि हूँ पंजाब संभालने का मौका केंद्र सरकार को दिया जाए।